जैक क्रॉली, कमाल की बैटिंग, इंग्लैंड के ओपनर ने ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया वालों को खूब पीटा। चौथे टेस्ट के दूसरे दिन क्रॉली ने मेहमानों की ऐसी कुटाई की कि देखने वाले चकित रह गए। फैंस के साथ क्रिकेट के दिग्गजों ने भी क्रॉली की इस बैटिंग को जमकर सराहा। शुरुआत से ही क्रॉली ने हंटर उठाया और ऑस्ट्रेलिया वालों को मैदान के चारों ओर दौड़ाया। उन्होंने कमाल के शॉट्स लगाते हुए अपनी टीम के लिए बहुत तेजी से रन जोड़े। क्रॉली ने सिर्फ 93 गेंदों पर सेंचुरी मार दी और उनके साथ बैटिंग करने वाले मोइन अली ने भी दूसरे एंड से कुछ ऐसा ही किया। जैक क्रॉली ने 82 गेंदों पर 54 रन की पारी खेली। दोनों ने मिलकर इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के स्कोर के करीब पहुंचा दिया। इससे पहले इंग्लैंड ने लंच तक थोड़ी स्लो बैटिंग की। सिर्फ एक विकेट खोने के बावजूद टीम का स्कोरिंग रेट 4 से कम था, लेकिन इसके बाद क्रॉली और मोइन ने मिलकर स्कोर तेजी से आगे बढ़ाया। मोइन के आउट होने के बाद आए पूर्व कप्तान जो रूट ने भी क्रॉली का अच्छा साथ दिया। इन दोनों ने मिलकर एक और बड़ी पार्टनरशिप की। टी ब्रेक तक क्रॉली 132 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि रूट 44 रन बनाकर खेल रहे थे। दोनों ने टी ब्रेक तक तीसरे विकेट के लिए 109 रन जोड़ डाले थे। क्रॉली की इस बैटिंग ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी। एक फैन ने लिखा, सिर्फ 93 गेंदों में जैक क्रॉली की सेंचुरी, कमाल की पारी, बेहतरीन सेंचुरी, वो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग को बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। जैक क्रॉली के एक फैन ने ट्वीट किया, साल 2023 में जैक क्रॉली 40.45 के एवरेज से खेल रहे हैं। इस एशेज में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में वो दूसरे नंबर पर हैं। 3 सालों का दर्द रंग ला रहा है। एक और फैन ने लिखा, जैक क्रॉली के लिए सेंचुरी, कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड के खिलाफ सिर्फ 93 गेंदों में एशेज शतक, उनके करियर में ये पारी याद रहेगी। एक और फैन ने ट्वीट किया, एशेज में जैक क्रॉली की बेहतरीन सेंचुरी, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज में सिर्फ 93 गेंदों में 100 रन मार दिए, कमाल की सेंचुरी। एक फैन ने इस सेशन के बारे में लिखा, इंग्लैंड द्वारा बेहतरीन सेशन, जैक क्रॉली ने कमाल खेला। एक फैन ने इस पारी को इस एशेज की दूसरी बेस्ट पारी बता दिया। उन्होंने ट्वीट किया, जैक क्रॉली ने इस एशेज सीरीज की दूसरी बेस्ट पारी खेल दी है। अंत में क्रॉली 189 रन बनाकर कैमरन ग्रीन का शिकार बने। ऑफ स्टंप के बाहर की बैक ऑफ अ लेंथ की ये डिलीवरी क्रॉली के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर विकेट में घुस गई। उन्होंने ये रन 182 गेंदों पर बनाए और जब वो आउट हुए इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट खोकर 336 रन था। दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 4 विकेट खोकर 384 रन बना लिए थे। जो रूट 84 रन बनाकर आउट हुए, हैरी ब्रूक 14 और कप्तान बेन स्टोक्स 24 रन बनाकर नाबाद लौटे। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सूरज ने। मैंने हारिका यादव, देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए यूट्यूब पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।